गुड मॉर्निंग, टुडे इज 3rd of April 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे कावेरी रिवर डिस्प्यूट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल श्रीलंका की राजनीति से संबंधित है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कस करेंगे। बीच में ये आर्टिकल कोरियन पेनिनसुला के बारे में है। देखो, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी कोरियन पेनिनसुला पे, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, डिस्कस करेंगे। कोरियन पेनिनसुला में किस प्रकार से पीस प्रोसेस चल रही है या फिर शुरुआत होने वाली है। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल फेडरलिज्म के मॉडल से संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे यहां पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में आर्टिकल आया है, लेकिन कंटेक्स्ट सारा का सारा यूएसए से है, तो ऐसी बातें नहीं है कि हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सके, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। यहां पे ये आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है। देखो, डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन क्या करें, कुछ नए पॉइंट्स हैं, रिपीटेशन नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल कश्मीर से संबंधित है, लेकिन पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है। राइटर कहते हैं कि देखो, कश्मीर में मेनली दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और कश्मीर के बीच है। राइटर के थोड़े एक्सट्रीम व्यूज हैं। राइटर कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 370 का बहुत ज्यादा विरोध होता है इंडिया में, इस वजह से कश्मीर के लोगों में थोड़ा आइसोलेशन फील होता है, वो फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। अगर इंडिया में आर्टिकल 370 का विरोध नहीं होता तो कश्मीर इंटीग्रेट हो गया होता अभी तक इंडिया के साथ। तो इनके थोड़े एक्सट्रीम व्यूज हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, जिसकी वजह से अभी भी कश्मीर के लोग इंडिया से एलिनेट फील करते हैं। कई बार कश्मीर में इलेक्शंस हुए, लेकिन वो इलेक्शंस रिग्ड थे, जैसे 1987 के इलेक्शंस रिग्ड थे, और कई बार इंडिया के जो लीडर्स हैं वो शक करते हैं कश्मीर के लीडर्स पर। तो ये सब बातें कही गई हैं, और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, मतलब एक दो पॉइंट ही काम के थे जो मैंने आपको बताया। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कावेरी रिवर डिस्प्यूट से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। 17 फरवरी की एडिटोरियल वीडियो में कावेरी रिवर डिस्प्यूट से संबंधित इशू को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा था। क्यों? क्योंकि उस समय 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल वर्डिक्ट आया था कावेरी रिवर डिस्प्यूट के ऊपर। 16 फरवरी के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी रिवर के पानी का डिवीजन इस प्रकार से किया था, तमिलनाडु का जो शेयर है वो 14.75 टीएमसी फीट घटा दिया था और कर्नाटका का शेयर 14.75 टीएमसी फीट बढ़ा दिया था। टीएमसी फीट का मतलब यहां पे 1000 मिलियन क्यूबिक फीट है। इसके अलावा 16 फरवरी के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हमारा जो ये वर्डिक्ट है वो 15 सालों तक एप्लीकेबल रहेगा, और आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी 6 वीक्स के अंदर अंदर एक स्कीम फॉर्मुलेट की जाए ताकि हमारे इस वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो ये लाइन है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एक स्कीम बनाने के लिए ताकि इस वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। स्कीम वर्ड पे काफी विवाद है। स्कीम वर्ड को अलग से इंटरप्रेट किया तमिलनाडु ने और अलग से इंटरप्रेट किया कर्नाटका ने। तमिलनाडु ने तो ये कहा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कीम बनाने को कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्कीम का मतलब है 2007 में जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था, तो 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में बताया था कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड इस्टाब्लिश किया जाए और एक वाटर रेगुलेशन कमेटी इस्टाब्लिश की जाए ताकि पानी का डिवीजन आसानी से हो सके। तो तमिलनाडु ने कहा कि स्कीम का मतलब कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर रेगुलेशन कमेटी से है, लेकिन कर्नाटका ने अलग से इंटरप्रेट किया स्कीम वर्ड को। कर्नाटका ने कहा कि देखो, स्कीम वर्ल्ड का मतलब कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड इस्टैब्लिश करना नहीं है, स्कीम वर्ल्ड का मतलब है एक छोटी मोटी कोई डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी इस्टैब्लिश करना। कर्नाटका ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के वर्डिक्ट में सिर्फ स्कीम वर्ड यूज किया गया है, कहीं भी यह यूज नहीं किया गया है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड इस्टैब्लिश किया जाएगा। तो देखो, अब कंटेक्स्ट यह है, सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को आए 6 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 6 वीक्स की जो टाइमलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा था कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर एक स्कीम फॉर्मुलेट की जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम फॉर्मुलेट नहीं की है। लेकिन 6 हफ्तों की टाइमलाइन खत्म होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट बोला सुप्रीम कोर्ट को कि देखो, आप क्लैरिफाई कीजिए स्कीम का क्या मतलब है, हमें क्या करना है, स्कीम का मतलब क्या कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड से है या फिर किसी डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी से है, क्या हम कोई ऐसी स्कीम फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो 2007 में कावेरी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से आए वर्डिक्ट से अलग हो, तो आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कही अपनी पिटीशन में, और टाइम भी मांगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें 3 महीने और चाहिए
इस तरह की कोई स्कीम फॉर्मुलेट करने के लिए ताकि आपके 16 फरवरी के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। तमिलनाडु ने भी पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के पास और गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 वीक्स के अंदर अंदर एक स्कीम फॉर्मुलेट करनी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है आपके वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक्चुअल में मैटर ये है कि आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं 12 मई को कर्नाटका में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम फिलहाल फॉर्मुलेट करता है कावेरी रिवर डिस्प्यूट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कर्नाटका के लोगों में नाराजगी आ सकती है। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ये नहीं चाहती कि इलेक्शन से ठीक पहले हमारी वजह से कोई नाराजगी आए कर्नाटका के लोगों में, क्योंकि इससे वो इलेक्शन हार सकते हैं। मेन पॉइंट एक्चुअली ये है। और पॉलिटिक्स एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में, वो अपनी तरफ से इस इशू पर पॉलिटिक्स कर रही है। कंक्लूजन की हम बात करते हैं। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा बोला जाता है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी डिस्क्रिशन का यूज करना चाहिए था और एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए थी जिसमें दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते, और ये कमेटी कावेरी रिवर के ऊपर जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को मॉनिटर करती और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करती। लेकिन ऐसा करने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास और क्लेरिफिकेशन मांगा है। इससे तो इश्यूज और ज्यादा डिले हो रहे हैं, और इश्यू देखो जितने ज्यादा डिले होते हैं ना उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और उनको इंप्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था ये। इसके अलावा तमिलनाडु की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा कि देखो, जो हमने स्कीम फॉर्मुलेट करने को कहा है उसका मतलब सिर्फ कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड नहीं है, उसका मतलब कहीं अधिक है। आप चिंता मत कीजिए, आप नोमेनक्लेचर पे मत जाइए, यानी नामों पे मत जाइए, आपको पानी चाहिए, हम आपको पानी दिलवा देंगे। तो अंत में एक बात ये बोली जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के वर्डिक्ट को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द उस स्कीम को फॉर्मुलेट करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था, ताकि कावेरी रिवर के पानी का डिवीजन सही से हो सके सभी स्टेक होल्डर्स के बीच। तो ये पूरा आर्टिकल था कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कोरियन पेनिनसुला में टेंशन के बारे में है। 3 महीने पहले तक बहुत टेंशन थी कोरियन पेनिनसुला में, और इवन ऐसा लग रहा था कि युद्ध स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उस समय धमकी दी जा रही थी। एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे थे नॉर्थ कोरिया को, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के लीडर किम भी धमकी दे रहे थे यूएसए को। किम ने यूएसए को यह कहा कि हमारे पास अभी ऐसी मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो पूरे यूएसए में कहीं पर भी बम गिरा सकती हैं, और उन मिसाइल्स का बटन मेरी मेज पर है। इसके जवाब में ट्रंप ने यह कहा कि हमारा न्यूक्लियर बटन आपसे बड़ा है और हम चाहें तो नॉर्थ कोरिया के पूरे अस्तित्व को वर्ल्ड मैप से मिटा सकते हैं। तो टेंशन थी बहुत ज्यादा 3 महीने पहले कोरियन पेनिनसुला में, लेकिन पिछले 3 महीनों में कुछ ऐसा हुआ है कि कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। टेंशन्स कम होने की शुरुआत हुई, किम जो लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के, उनकी सिस्टर, उनकी बहन साउथ कोरिया में गई, और विंटर ओलंपिक्स जो आयोजित हुए थे साउथ कोरिया में, उन विंटर ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने अपनी ज्वाइंट टीम वहां पर उतारी। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साउथ कोरिया के, वो नॉर्थ कोरिया में गए और उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए तैयार हैं, यानी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार हैं, और वो मुलाकात करने के लिए तैयार हैं ट्रंप से। ट्रंप ने भी हां भर दी। ट्रंप ने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम से। तो देखो, मई में ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम की मुलाकात हो सकती है, लेकिन उससे पहले 27 अप्रैल को मुलाकात होगी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून की। और इस मुलाकात से पहले अभी किम चाइना की विजिट पर गए और उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति सी चिनफिंग से मुलाकात की। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम की 2011 में सत्ता संभालने के बाद ये पहली फॉरेन विजिट थी, और ये विजिट भी पीस एस्टैब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा अहम थी। वैसे तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं नॉर्थ कोरिया पे, लेकिन नॉर्थ कोरिया का जो थोड़ा बहुत ट्रेड होता है वो चाइना के साथ ही होता है। आप चाइना को नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन कह सकते हो, लेकिन पिछले 2-3 सालों में रिलेशंस खराब हो गए थे नॉर्थ कोरिया और चाइना के। नॉर्थ कोरिया ने यह आरोप लगाया चाइना पे कि चाइना यूएसए के ट्यून्स पर डांस कर रहा है, इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर रहा है चाइना। और नॉर्थ कोरिया ने कई बार एम्बेरस किया चाइना को, क्योंकि देखो, जब भी चाइना में कोई बड़ा समिट ऑर्गेनाइज होता, जैसे G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ चाइना में, ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ, तो उस समय नॉर्थ कोरिया जानबूझ के अपनी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करता ताकि चाइना को
एम्बेरस किया जा सके। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लीडर किम की जो मुलाकात हुई चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से चाइना में, इस मुलाकात के बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशंस हैं वो भी पटरी पर आए। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम के बीच जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में किसी प्रकार की डील निकल के आएगी। देखो, शुरुआत में तो डील ये हो सकती है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेंगे और बदले में सैंक्शंस हटाएगा यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ये जरूर मांग करेगा कि रेजिम गारंटी दी जाए, यानी अभी जो रूल है किम का वहां पर नॉर्थ कोरिया में, उस रूल को, उस सरकार को यूएस चलने देगा, ऐसी गारंटी नॉर्थ कोरिया चाहता है। क्योंकि देखो, नॉर्थ कोरिया को डर लगता है जिस प्रकार से यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने इराक में इंटरफेरेंस करी और सद्दाम हुसैन को मार दिया था, लीबिया में गद्दाफी को मार दिया था। तो इस प्रकार से नॉर्थ कोरिया के शासक किम को यह डर लगता है यूएसए भी इंटरफेयर कर सकता है नॉर्थ कोरिया के अंदर और रेजिम चेंज करने की कोशिश कर सकता है। नॉर्थ कोरिया गारंटी चाहता है कि यूएसए समेत जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे देश में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और जैसा रूल चल रहा है हमारा वैसा ही रूल चलने दिया जाएगा। डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए हो सकता है कि वो फिलहाल राजी ना हो। देखो, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना अलग बात है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लिया है, लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन्स का उन्होंने निर्माण किया है उन न्यूक्लियर वेपन्स को त्यागना उसका मतलब है डीन्यूक्लियराइजेशन। आप सोच के देखिए, कोई देश तैयार होगा जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लिया है, क्या वो देश तैयार होगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने के लिए? ये चीज आसान नहीं होगी। खैर, देखना यह होगा कि ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम के बीच क्या निकल के आता है मई में जो मुलाकात होगी। और भी काफी सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जैसे यूएसए की जो ट्रूप्स हैं फिलहाल साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया मांग करेगा कि यूएसए अपने सैनिकों को वापस लेके जाए अपने देश में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि साउथ कोरिया और यूएसए के बीच होती है इस रीजन में, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर एक बार ब्रेक लगाया जाए। नॉर्थ कोरिया यह भी मांग कर सकता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी थार जो इंस्टॉल करके रखा है यूएसए ने इस रीजन में साउथ कोरिया और जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस मिसाइल सिस्टम को अनइंस्टॉल किया जाए। चाइना को भी कंसर्न है वैसे यूएसए के इस थार सिस्टम से। ये सब मांगे की जा सकती है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, लेकिन डिपेंड करता है ट्रंप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन सब मांगों पर। ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी कि इस मुलाकात के बाद नॉर्थ कोरिया के साथ डील साइन हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने दो ऐसे पर्संस को अपनी टीम में शामिल किया जो नॉर्थ कोरिया के बहुत ज्यादा क्रिटिक हैं। तो ट्रंप का नेचर आपको पता है अनप्रिडिक्टेबल है। ट्रंप के रिस्पांस पर डिपेंड करता है नॉर्थ कोरिया के साथ आगे पीस प्रोसेस चलेगी या नहीं। ये पूरा आर्टिकल था कोरियन पेनिनसुला के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, यूपीएससी इंडिया से जुड़े इश्यूज पर फोकस करती है, लेकिन हमने डिस्कस किया क्योंकि पता होना चाहिए क्या कुछ चल रहा है। नॉलेज इनडायरेक्टली बहुत काम आ जाती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में हम लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कोरियन पेनिनसुला में किस प्रकार से टेंशंस को कम किया गया है। अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशंस को कम किया जा सकता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्यों। तो इस प्रकार की लाइंस, इस प्रकार की नॉलेज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा सकती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा। इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल पर एक बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है। हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कर्नाटका का एक नया स्टेट फ्लैग पब्लिश किया और कन्नड़ प्राइड को हाईलाइट किया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने मांग की ना सिर्फ इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल में विभिन्न राज्यों को, विभिन्न स्टेट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए बल्कि कल्चरल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, यानी विभिन्न राज्यों को अपने कल्चर को प्रमोट करने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। और हमने अपना जो झंडा लॉन्च किया है ये कल्चरल ऑटोनॉमी का पार्ट है। कुछ साउथ इंडियन लीडर्स ने यह भी आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे, साउथ इंडियन के स्टेट से टैक्स ज्यादा वसूलती है लेकिन उतना खर्चा नहीं करती साउथ इंडिया के स्टेट्स पर, यानी साउथ इंडिया से टैक्स को इकट्ठा करके उस रेवेन्यू को खर्च किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है 15 फाइनेंस कमीशन से संबंधित। फाइनेंस कमीशन का काम आपको पता है, फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला तैयार करता है ताकि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रेवेन्यू को डिवाइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, 14 फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मूला दिया कि स्टेट्स को रेवेन्यू मिलेगा 42% और सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा 58%। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का काम यह भी है विभिन्न स्टेट्स के बीच रेवेन्यू को डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42% टैक्स रेवेन्यू मिलेगा स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स के बीच आपस में कैसे डिवाइड होगा उसके लिए भी फॉर्मूला दिया था 14 फाइनेंस कमीशन ने, यानी आंध्र प्रदेश को 42% में से कितना मिलेगा, हरियाणा को कितने मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, आपस में स्टेट्स रेवेन्यू को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला दिया जाता है
फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने जो फॉर्मूला दिया था राज्यों के बीच रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए, उस फॉर्मूले पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मूला दिया था कि 1971 की पॉपुलेशन को वेटेज दी जाएगी फॉर्मूले में 17.5%, 2011 की पॉपुलेशन को वेटेज दी जाएगी 10%, फिजिकल कैपेसिटी को वेटेज दी जाएगी 50%, एरिया को वेटेज दी जाएगी 15%, फॉरेस्ट कवर को 7.5%। यानी ये फॉर्मूला होगा जिसके बेस पर विभिन्न राज्यों के बीच रेवेन्यू को डिवाइड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो बता दिया था 58%, लेकिन जो रेवेन्यू बताया गया 42% स्टेट्स के लिए, वो आपस में किस प्रकार से डिवाइड होगा उसके लिए 14th फाइनेंस कमीशन ने ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन अब देखो विवाद ये है, 15th फाइनेंस कमीशन को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई है उसमें ये कहा गया है कि आप 2011 की पॉपुलेशन को प्रायोरिटी दीजिएगा, 1971 की पॉपुलेशन को प्रायोरिटी मत दीजिएगा फॉर्मूला डिसाइड करते वक्त। और साउथ इंडियन स्टेट्स को इसी टर्म ऑफ रेफरेंस से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखो अगर 2011 के पॉपुलेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी तो ज्यादा फायदा किसको होगा? नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन को अभी भी स्टेबलाइज नहीं किया गया है। अभी भी नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जबकि पिछले 30 सालों में साउथ इंडिया के स्टेट्स में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है और पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ी है। अगर 2011 के पॉपुलेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी तो ज्यादा फायदा होगा नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को, क्योंकि उनको उनकी पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी है, उनकी पॉपुलेशन अब ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन के आधार पर उनको ज्यादा रेवेन्यू हासिल होगा। लेकिन साउथ इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ी है, उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है फॉर्मूले में, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी 2011 की पॉपुलेशन को, तो उनको फायदा नहीं होगा, उनको बल्कि नुकसान होगा। अगर 15th फाइनेंस कमीशन 2011 की पॉपुलेशन को प्रायोरिटी देता है तो इस पर भी विवाद है साउथ इंडिया के स्टेट्स को। देखो मेनली फेडरलिज्म की अभी की जो डिबेट है वो तीन इश्यूज के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला इशू है संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए, उन प्रोविजंस को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा इशू, टैक्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स का ये कहना है कि हमें हमारा जो हिस्सा है टैक्स रेवेन्यू में, जायज हिस्सा हमें हमारा नहीं मिल पाता, तो इस प्रकार से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर एक स्टेट को उसका जायज हिस्सा मिले। तीसरा जो इशू है, स्टेट्स को आज़ादी होनी चाहिए अपने लिंग्विस्टिक और कल्चरल राइट्स को प्रमोट करने की। तो इन तीन इश्यूज के इर्द गिर्द अभी फिलहाल की जो फेडरलिज्म की जो डिबेट है वो घूम रही है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के आर्टिकल नंबर 1 में भी ये लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने यह कहा कि अब हमारा स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स के बजाय धीरे धीरे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनता जा रहा है। देखो यूनियन ऑफ स्टेट्स में सेंट्रल काफी स्ट्रांग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है यूनियन ऑफ स्टेट्स में, जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं। आप कह सकते हैं यूएसए का जो मॉडल है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। यूएसए में आपको पता है वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 4-5 इश्यूज हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, बाकी स्टेट्स का अपना अलग से संविधान है, स्टेट की अपनी अलग से सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट्स का अलग से संविधान नहीं है, स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में। तो हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखो जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय डिबेट चली थी, B.R. अम्बेडकर ने पूरा क्लैरिफाई किया था कि यूनियन ऑफ स्टेट से क्या मतलब है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, क्या मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट से? तो B.R. अंबेडकर ने उसमें क्लैरिफाई किया था कि देखो अमेरिका का जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो कमिंग टुगेदर है, और इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो होल्डिंग टुगेदर है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर से क्या मतलब है। देखो इंडिया तो पहले एक ही यूनिट था, लेकिन अच्छे से इंडिया को गवर्न किया जा सके इसलिए इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। शुरुआत में तो इंडिया एक ही यूनिट था ना, लेकिन इंडिया को अच्छे से गवर्न किया जा सके, अच्छे से होल्ड किया जा सके इसीलिए विभिन्न स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। शुरू में कम स्टेट्स थे, लेकिन धीरे धीरे आते आते अब 29 स्टेट्स इंडिया में हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था, अमेरिका में स्टेट्स पहले से ही थे, टेक्सास, फ्लोरिडा, ये सब स्टेट्स पहले से थे, और इन सब 50 स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया चलो आओ एक देश बनाते हैं जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का जो मॉडल है वो है कमिंग टुगेदर, विभिन्न राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक देश का निर्माण किया। लेकिन इंडिया का मॉडल अलग है, इंडिया में आजादी से पहले सिर्फ एक यूनिट थी, लेकिन इंडिया को अच्छे से गवर्न किया जा सके इसीलिए विभिन्न स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है।
इंडिया में और भी स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 3 में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। 4 साल पहले तेलंगाना का निर्माण हुआ था। इवन इंडिया में 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज भी किया जा सकता है, लेकिन यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब से यूएसए बना है उसके बाद विभिन्न राज्यों की बाउंड्री में 3 का भी चेंज नहीं हुआ है। यानी यूएसए का निर्माण जब हुआ था विभिन्न स्टेट्स की जो बाउंड्री थी आज भी वही बाउंड्री मौजूद है। इसीलिए यह कहा जाता है यूएसए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मॉडल है और हमारा मॉडल होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मॉडल है। यहां पे डिफरेंस दिए हुए हैं जो कुछ हमने डिस्कस किया है। एग्जांपल दिया गया है कमिंग टुगेदर मॉडल में यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और होल्डिंग टुगेदर यानी इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो स्पेन में भी है, बेल्जियम में भी है। आगे आर्टिकल में कहा जाता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जो स्टेटमेंट थी कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स से फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो धीरे धीरे यूएसए जैसा होता जा रहा है, राइटर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा फेडरलिज्म का मॉडल ठीक वैसा ही है जैसा आजादी के समय था, जैसा हमारा संविधान बना था। 70 साल के आजादी के इतिहास में हमारा फेडरलिज्म का मॉडल ठीक से काम कर पाया है क्योंकि हमारा फेडरलिज्म का मॉडल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है सिवाय एक प्रोविजन के। आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट किसी भी राज्य में अगर कंडीशंस फुलफिल होती है तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। काफी बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोविजन का मिसयूज किया गया है। ये चीज जो है ना वो फेडरलिज्म के मॉडल के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, इसमें बदलाव होना चाहिए। अदरवाइज तो देखो वैसे भी इंडिया के संविधान के दायरे में रहके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर दी है पिछले 20-30 सालों में। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गठबंधन की सरकार इंडिया में आती रही है पिछले 20-30 सालों में, अगर फिलहाल करंट की गवर्नमेंट को छोड़ दें। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि अभी बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, इसीलिए जो पावर्स देने का ट्रेंड था यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को जो पावर दी जा रही थी, पॉलिटिकल पावर हो या फिर इकोनॉमिक पावर हो, इस ट्रेंड पर ब्रेक लगेगा क्योंकि गठबंधन की सरकार का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है और बीजेपी की अकेले को मेजोरिटी हासिल हुई है पार्लियामेंट में। शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के 32% से 42% कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा खास काम किया नहीं है जो कि फेडरलिज्म की कमिटमेंट को फुलफिल करता हो। और देखो एक टेस्ट और भी आने वाला है इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल का। 42वें अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि विभिन्न राज्यों को लोकसभा में सीट्स एलोकेट की जाएंगी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के आधार पर। जैसे टेक्निकली इनकोरेक्ट आपको एग्जांपल देता हूं, अगर यूपी की पॉपुलेशन 20 लाख है तो यूपी को लोकसभा में सीट्स मिलेंगी 20, अगर पंजाब की पॉपुलेशन 15 लाख है तो पंजाब को लोकसभा में सीट मिलेंगी 15, हरियाणा की पॉपुलेशन मान लीजिए 10 लाख है तो हरियाणा को सीट्स मिलेंगी लोकसभा में 10, गोवा की मान लीजिए 5 लाख पॉपुलेशन है तो गोवा को सीट्स मिलेंगी लोकसभा में 5। तो प्रोपोर्शन के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को सीट्स एलोकेट की जाएंगी। लेकिन देखो इस कंसेप्ट में एक गड़बड़ी थी। 1971 में हमारे लीडर्स को यह रियलाइज हो गया कि इस कंसेप्ट में एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी और देखो अगर कोई राज्य कोशिश करता है पॉपुलेशन को स्टेबल करने की तो उसके लिए तो डिसइंसेंटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उस राज्य की बढ़ेगी नहीं। लेकिन संविधान में यह लिखा हुआ है कि विभिन्न राज्यों को सीट्स दी जाएंगी पॉपुलेशन के आधार पर, तो कोई राज्य अपने राज्य की पॉपुलेशन क्यों कम करना चाहेगा? अगर वो पॉपुलेशन कम करेगा तो उसकी तो सीट्स कम हो जाएंगी लोकसभा में। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट जब पास की गई थी 1976 में, 1976 में, तो उस समय यह कहा गया था कि देखो 1971 के सेंसस के आधार पर विभिन्न राज्यों को जो सीट्स मिली हैं लोकसभा में आने वाले 25 सालों तक यही सीट्स रहेंगी। ऐसा नहीं कि 1981 में नया सेंसस आया, पॉपुलेशन कम ज्यादा हो गई, फिर से विभिन्न राज्यों की लोकसभा की सीट्स एलोकेशन में बदलाव किया जाए। नहीं, आने वाले 25 सालों तक 1971 के सेंसस के आधार पर जो लोकसभा में सीट्स एलोकेशन है सेम रहेगा। और जब देखो 2001 नजदीक आया तो इस टाइमलाइन को 25 सालों तक और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। यानी अभी जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से 2026 तक विभिन्न राज्यों को जो लोकसभा में सीट्स मिली हुई हैं वो 1971 के सेंसस के आधार पर ही रहेंगी। अब देखो या तो 2026 भी आपको पता है आने वाला है, या तो इस चीज को 25 सालों तक और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर इस चीज को एक्सटेंड नहीं किया जाता है
तो लेटेस्ट सर्वे के, लेटेस्ट सेंसस के आधार पर फिर से विभिन्न राज्यों को लोकसभा में सीट्स दी जाएंगी। अब तो आपको पता है सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पिछले 50 सालों में साउथ इंडिया के स्टेट्स की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, जबकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर लेटेस्ट सेंसस के आधार पर लोकसभा में सीट्स दी जाती है विभिन्न राज्यों को, तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको लोकसभा में ज्यादा सीट्स मिलेंगी, जबकि साउथ इंडिया के स्टेट्स को नुकसान होगा। थक गए, एक सेकेंड। आगे तो कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं कि देखो, फेडरलिज्म का मॉडल पूरा काम ही ट्रस्ट के बेस पे करता है। स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट होना चाहिए और विभिन्न राज्यों के बीच भी आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। किसी भी राज्य को ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी फेडरलिज्म के मॉडल में कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी डेवलपमेंट को फाइन किया जा रहा है, पिनलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे साउथ इंडिया के स्टेट्स को यही लगता है कि हम टैक्स रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हमें कम स्पेस मिलता है इंडिया में और हमारे कल्चर को भी प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये जो कंसर्न्स हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स को, इन कंसर्न्स को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल आज़ादी के 70 साल के इतिहास में ठीक से काम कर पाया है, काफ़ी सारी फॉल्ट लाइन्स प्रोड्यूस हो जाएंगी इस फेडरलिज्म के मॉडल में। तो ये पूरा आर्टिकल था फेडरलिज्म के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है। एग्जाम्पल की सहायता से हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम घटित हुआ है इंडिया में, कोई अपराध घटित हुआ है, और जिस अपराधी ने क्राइम को कमिट किया है वो इंडियन सिटीजन है, और जो इस क्राइम में विक्टिम है वो भी इंडियन सिटीजन है, लेकिन अपराधी ने अपराध करते वक्त यूएसए के किसी मैसेजिंग सर्विस का सहारा लिया, हम मान लेते हैं फेसबुक का सहारा लिया, तो देखो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फेसबुक से डेटा चाहिएगा ताकि इस अपराध की गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन आपको पता है फेसबुक समेत जो दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या फिर मैसेजिंग सर्विसेज हैं, ये अपना डेटा इंडिया में स्टोर करके नहीं रखती, इनके जो सर्वर्स हैं वो मौजूद होते हैं यूएसए में। जबकि यूएसए का कानून ये कहता है कि फेसबुक समेत जो दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स या फिर मैसेजिंग सर्विसेज वाली कंपनीज दूसरे देशों की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ डेटा शेयर नहीं करेंगी हमारी अनुमति के बिना। तो अभी देखो, अगर इंडिया को किसी डेटा की आवश्यकता है तो इंडिया और यूएसए के बीच एक ट्रीटी है, इंडिया यूएस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इस ट्रीटी की सहायता से इंडिया यूएसए को बोल सकती है कि आप हमें डेटा दीजिए, आप बोलिए ना अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को कि हमें डेटा की आवश्यकता है और वो हमें डेटा दें। लेकिन देखो, दिक्कत यह है कि इस ट्रीटी की सहायता से अगर डेटा मांगा जाता है इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा यूएसए से, तो कई बार तो 3 साल लग जाते हैं, इतना लंबा समय लग जाता है यूएसए से डेटा मांगने में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर जो रिक्वेस्ट है फेसबुक के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। ज्यादातर तो नहीं, मतलब एक डेटा के अनुसार 2017 में 9853 टाइम्स इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने फेसबुक से रिक्वेस्ट की कि आप हमें डेटा प्रोवाइड कीजिए, तो 54.3% हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया और 45 point something इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो रिक्वेस्ट थी उनको रिजेक्ट कर दिया फेसबुक ने। और फेसबुक देखो, जो एक्चुअल में डेटा होता है उसको देने में काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट रहता है। फेसबुक कहता है इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि आप वो डेटा ले लीजिए जो यूजर ने दिया था साइनअप करते वक्त। अब देखो, साइनअप करते वक्त तो यूजर्स फर्जी डेटा भी तो देते हैं ना। एक्चुअल में यूजर की चैटिंग क्या है, किन पर्सन से बात की है यूजर ने, किस किस को लाइक किया है, डिसलाइक किया है, क्या एक्टिविटीज थी यूजर की, ये डेटा काम का होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। लेकिन फेसबुक रिलेक्टेंट रहता है, फेसबुक कहता है चैटिंग से संबंधित डेटा को हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी यूएसए से डेटा डिमांड करने में। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है कि 2 हफ्ते पहले यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए कानून पर साइन किया है। नाम है उस कानून का क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट, यानी क्लाउड एक्ट। इस क्लाउड में प्रोविजन ये है कि यूएसए के जो मित्र देश हैं, यानी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिनका जी सोच है वो यूएसए से मिलती है, उन देशों की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ डेटा को शेयर किया जाएगा ताकि क्राइम्स को कब किया जा सके। तो इंडिया ने ये कहा है कि इस कानून के अंदर जो भी प्रोविजन हैं उनके लिए इंडिया जल्द ही एक एग्रीमेंट साइन करेगा यूएसए के साथ, ताकि जल्द से हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यूएसए से डेटा जल्द से जल्द हासिल हो सके। हमने डिस्कस किया किस प्रकार से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यूएसए से डेटा हासिल करने में। लेकिन इस एक्ट के अनुसार अगर इंडिया और यूएस में एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को डेटा आसानी से मिल सकेगा यूएसए से। आगे कंक्लूजन में एक बात यह बोली जाती है कि यूएसए ने एक बात साफ की है कि हम
इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से सिर्फ उन्हीं देशों के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे जहां पे रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट किया जाता है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है और सिविल लिबर्टीज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और यूएसए के अटॉर्नी जनरल ये देखेंगे कि कौन सा देश इन क्राइटेरियाज पे खरा उतरता है। तो इंडिया जब यूएसए को बोलेगा कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कीजिए क्लाउड एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, तो यूएसए के अटॉर्नी जनरल चेक करेंगे क्या इंडिया में प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाता है, सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है या नहीं। एक बात आगे ये भी बोली जाती है कि देखो अभी तो फिलहाल हो सकता है कि इंडिया इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल ना करता हो, लेकिन इंडिया में भी कवायद अभी चल रही है जल्द से जल्द डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाने की। अगर इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कानून बन जाता है तो इन सब क्राइटेरियाज को इंडिया पूरा करेगा और यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन किया जा सकेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में, उसके बाद हमने कोरियन पेनिनसुला में जो टेंशन्स कम हुई है उस इशू के बारे में चर्चा की। तीसरे नंबर पे हमने फेडरलिज्म के इशू को डिस्कस किया, काफ़ी समय भी लग गया, आज वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है। देखो क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो बातें बताने की हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही ना, एक भी बात नहीं छूटनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया अभी जो डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित आर्टिकल था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।